हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम इंडिया मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये क्लासिक के पिछला टायर जो एक साइड में टच होता है, ज़्यादातर जब आप एलॉय व्हील डला देते हो तो आपने देखा होगा जंपिंग में एक साइड में टच होता है, तो उसकी वजह से आपको इसका सेंटर भी आउट करना पड़ता होगा जब जाके करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ उसको। आपको मरघाट से कोई रॉड वॉड से सीधा नहीं करना है, क्योंकि मरघाट को अगर रॉड फंसा के करते हैं तो उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है मरघाट की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या आप कर सकते हैं इसको। आइए, ये है हमारी क्लासिक 350। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे ये निशान है, ये जंपिंग में टच होने के। ज़्यादातर जब हम अलॉय व्हील डाल देते हैं जब ये निशान आते हैं इसके जंपिंग में, ये यहाँ टच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप नहीं है, और यहाँ इस साइड बहुत इसके गैप है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है इसके। आइए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें कि इस नट की, और ये नट मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। आप अपने मैकेनिक के पास जाइएगा, ये टूल बॉक्स के अंदर होता है ये नट। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अपना सलेंसर खोलना है। सलेंसर खोल के, और भाई इसका व्हील का एक्सल जैसे आपने देखा होगा आपके उस साइड से डलता है हर बार, अब ये एक्सल यहाँ से डलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको। दोस्तों, इसका पहिया हमने निकाल लिया है। दोस्तों, ये हमारा इसका व्हील खोलने वाला अंदर है। हमें ये नट यहाँ लगाना है ऐसे। अब ये रुकेगा ऐसे, ना सिर्फ वहाँ से एक्सल डाल, ये एक्सल जो मैंने आपको बताया यहाँ से डलेगा, आप यहाँ से एक्सल डालेंगे ये ऐसे। और बेफिक्र रहिए, इससे कुछ नहीं होता कि आप कहीं से भी डाल सकते हैं इसको, और अंदर का और बस इसको हम यहाँ डाल के छोड़ देंगे ऐसे। अब इसका ऐसे लगे लगे व्हील लगाना है, और नट ध्यान रखिएगा हमें लॉक का ही नट लेना है, ताकि वो बैरिंग के ऊपर ना चढ़े। ये इसमें बिल्कुल फिट आता है, तो हम इसको एक्सल लगे लगे में फिट करेंगे इसको। चल देखा आपने ये कैसे करा है, और आप बेफिक्र रहिए, इसको लगाइए ना, एक्सल इधर से लगाने में कोई दिक्कत आएगी। आइए इसका दिखाता हूँ मैं गैप कितना बढ़ चुका है, ये देखिए। आप इसमें चाहे तीन जने बिठा लिए, चाहे दो जने बिठा लिए, अब ये टायर टच नहीं होगा यहाँ से। और बहुत सी बार क्या होता है कि आपके स्पोक्स भी टच होने लग जाते हैं, तो स्पोक्स की आप अलाइनमेंट वाले से कहिए, उसकी स्पोक्स आउट हो जाती हैं, तो स्पोक्स की आप में नट नहीं लगाना, उसके अंदर आप यूँ ही लगा सकते हैं। देखा दोस्तों आपने ये कैसे करा है इसका, एक नट लगा के। बस में एक दिक्कत आएगी आपको, मैं पहली बता रहा हूँ कि जब भी आप टायर निकालेंगे तो आपको सलेंसर इसका खोलना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता ये टायर टच होने से, तो अच्छा है आप सलेंसर खोल लो उसका। दोस्तों आप ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करिए कैसी लगी मेरी वीडियो। और अब भी मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो हर एक बाइकर के पास पहुँचे। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर इसमें मेंशन करता हूं, तो इस वीडियो में भी ज़रूर करूंगा। और आप बेझिझक मुझे कॉल्स करिए, मैसेज करिए, और जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो मुझे बताइए। आपकी डिमांड सारी हैं, और मैं बहुत जल्दी इनको पूरी कर रहा हूं, आस्ते आस्ते इसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, इंतजार करिए मेरी नई वीडियोज़ का। बी सेफ, राइड सेफ।